आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। श्रीमंत बाजीराव पेशवा को बचपन से ही पराक्रम और युद्ध के कौशल का ज्ञान था। देशपांडे 11 माह में यहां पूरे होंगे निर्माण। मंत्री कमल पटेल। बाजीराव पेशवा की पुण्यतिथि पर रावेर खेड़ी समाधि स्थल पर हुआ आयोजन। सनावत बेड़िया। श्रीमंत बाजीराव पेशवा जैसे पराक्रमी योद्धा बचपन से ही देश और समाज के लिए उनमें कार्य करने की क्षमता थी। उनमें पराक्रम का हुनर था, जिन्होंने अपनी कम उम्र की अवधि में भी अपराजय योद्धा बनकर युवाओं के सामने उदाहरण दिया है, जिसका आज के युवाओं को अनुसरण करना चाहिए। ये बात श्रीमंत बाजीराव पेशवा की पुण्यतिथि पर आयोजित रावेर खेड़ी में श्रद्धांजलि सभा के दौरान प्रदेश सरकार के कृषि एवं जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंत्री विनायक राव देशपांडे, संघ के मालवा प्रांत प्रचारक बलराम पटेल, सांसद गजेंद्र पटेल, विधायक सचिन बिरला थे। श्री देशपांडे ने आगे कहा कि बाजीराव पेशवा जैसा हुनर हर किसी के पास नहीं हो सकता है। बाजीराव पेशवा ने 40 लड़ाई में अपराजित रहकर दुश्मनों को दांतों तले उंगलियां दबवाई। साथ ही बचपन से उन्होंने पराक्रम और देश सेवा की भावना थी, जिसे लेकर उन्हें 7 वर्ष की उम्र से जहां बच्चों को खेल खिलौने पसंद हुआ करते थे, वहीं श्रीमंत पेशवा ने तलवार को अपना खिलौना बनाया और उसे गरीब मजलूमों को बचाने के लिए कदम उठाए। उन्होंने अनेक स्थानों पर लड़ाइयां लड़कर अपनी जान न्यौछावर की। आज 200 साल बाद भी बाजीराव पेशवा का इतिहास युवाओं के लिए अनभिज्ञ है, इसीलिए युवा बाजीराव पेशवा को समझे और उनके अनुसरण करते हुए देश सेवा, समाज सेवा, धर्म सेवा के लिए आगे आए। इस दौरान प्रदेश के कृषि एवं जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने समाधि स्थल पर होने वाले करोड़ों के कार्य की जानकारी दी। साथ ही बताया, कार्यों के टेंडर हो चुके हैं और 11 माह की अवधि में श्रीमंत की अश्वरोही प्रतिमा के साथ यात्री प्रतीक्षालय एवं अन्य पर्यटक की व्यवस्था प्रदेश एवं केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। संघ के मालवा प्रांत प्रचारक बलिराम पटेल ने बताया कि पहले की सरकारें बाजीराव पेशवा जैसे योद्धाओं को दरकिनार कर चुकी थी, लेकिन अभी की सरकार ने जिस तरह से बाजीराव पेशवा देश के अन्य योद्धाओं की स्मृति में कार्य किया, वह अनुकरणीय है। उन्होंने मंच से युवा साथियों से बाजीराव पेशवा की तरह वीर और बलवीर बनने की बात कही। सांसद गजेंद्र पटेल ने भी श्रीमंत पेशवा को श्रद्धांजलि देते हुए बाजीराव पेशवा समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों पर खुशी जाहिर की। विधायक सचिन बिरला ने स्थानीय समस्याओं का ध्यान दिलाते हुए मंत्री पटेल से यहां पर सुविधा बढ़ाने की मांग की। इस दौरान मंच पर गांव के वरिष्ठ नागरिक अन्य लोग मौजूद थे। अतिथियों ने श्रीमंत पेशवा के समाधि स्थल पर जाकर पूजन अर्चन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। अतिथियों ने किया बाजीराव भोजन। श्रद्धांजलि सभा के बाद अतिथियों ने वहां बाजीराव भोजन का लुफ्त उठाया। मंत्री पटेल सहित अन्य अतिथियों ने भी बाजीराव भोजन के रूप में रोटी और बेसन और मिर्ची को ग्रहण कर अन्य लोगों से भी बाजीराव भोजन के महत्व पर चर्चा की। वहीं श्री पटेल ने वहां पर मौजूद अन्य लोगों को बाजीराव भोजन करवाते हुए उनके साथ भोजन किया। इस दौरान सभी अतिथि एवं क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी भी बाजीराव भोजन करते हुए नजर आए। सनावत से विवेक विद्यार्थी। सबसे पहले तो मैं भारत माता के सच्चे सपूत और अजय योद्धा श्रीमद बाजीराव पेशवे जी की आज 282 पुण्यतिथि पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और इस स्थान पर जहाँ माँ नर्मदा का पावन तट है रावेर खेड़ी, यहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली, उनकी समाधि स्थल है। इस स्थान को सर्वांगीण विकास करना, उनके एक म्यूजियम बनाना, ताकि हमारे देश की युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में सीखे और अपने जीवन में उतारे, ताकि वो अपने और अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सके। देश के लिए जीने की, संस्कृति के लिए जीने की, धर्म के लिए जीने की, और भारत माता ही सर्व सब कुछ है। हमारी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, ये प्रेरणा हमें बाजीराव जी से मिलती है। उसके विकास के लिए पिछले 18 अगस्त को जब यहाँ मुख्यमंत्री जी आए, हम लोग आए थे, उन्होंने जो भी बाजीराव पेशवा स्मृति न्यास ने समिति ने जो प्रस्ताव दिया था वो उन्होंने घोषणा की थी।
और उस समय केंद्रीय मंत्री हमारे ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी भी आए थे और उस घोषणा के अनुसार पूरे बजट में प्रावधान करके टेंडर हो गए हैं और यहाँ चहुंमुखी विकास होगा। बाजीराव पेशवा जी की घोड़े के ऊपर सवार होते हुए जिससे लड़ते थे युद्ध, 41 युद्ध लड़े, एक भी नहीं हारे। भारत के ऐसे महान योद्धा थे वो, जो कभी कोई भी युद्ध नहीं हारे, सब जीते, मुगलों के छक्के छुड़ाए। और चलिए उनकी एक मूर्ति भी होगी, उसके अलावा उनका जो युद्ध कौशल था, उसकी इतिहास के जो युद्ध लड़े उसके बारे में जानकारी होगी। और यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा पर आने वाले लोगों के लिए ठहरने के लिए वो आश्रय, नर्मदा सेवा आश्रय होगा और पर्यटन की दृष्टि से भी यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं होंगी ताकि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। और जैसा कि बताया, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो बाजीराव पेशवा जी के बारे में भी, इतिहास में उनके बारे में जो है वो बताया जाए। दुर्भाग्य रहा कि जिनके हाथ में पहले सत्ताएं थी, उन्होंने भारत का गौरव, भारत के महापुरुष, भारत के सेनानियों का उतना स्थान नहीं मिला जितना कि अकबर महान थे, और जो जिन्होंने हमको गुलाम किया, जिन्होंने हमारी संस्कृति पर, हमारे धर्म पर, हमारे लोगों पर, हमारे पुरखों पर अत्याचार किए, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया, उनको महान बताया गया।